तारुफ की जरूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि दासदेव रिलीज की कगार पे हैं, उस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा और कैसे आप ऑन बोर्ड आए, हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फिल्म। हाँ, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। असल में दासदेव, जहाँ दासदेव की बात है, तो मेरा जो संबंध और रिश्ता और रिलेशनशिप है सुधीर मिश्रा जी के साथ, तो मैं सुधीर को कम से कम 35 साल से जानता हूँ, जब से वो इंडस्ट्री में आए थे और मैं इंडस्ट्री में आया था। तो अब हम मिलते ही रहते थे। सुधीर जी उस टाइम ज़्यादा राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते, अभी भी मेनली सुधीर जी राइटर भी हैं, और वहाँ से मतलब मिलते गए, लेकिन साथ में हमने काम कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि सुधीर इस टाइम मुझे लखनऊ के एयरपोर्ट पे मिले, तो वहाँ पर वो रेकी करने आए थे दासदेव की, और मैं एक फिल्म शूट, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी मुजफ्फर अली जी के लिए, तो वहाँ मिले और फ्लाइट में आए हम साथ में, तो काफ़ी बातें शुरू हो गई, यादें कहाँ मिले थे जावेद साहब के साथ, ये वहाँ सब, वहाँ नॉस्टैल्जिया कि कितने साल हो चुके हैं। तो फिर सुधीर ने कहा कि यार ऐसा है कि पता नहीं यार, इतने सालों के बाद मिलते रहे, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन काम कभी साथ में नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ पिक्चर बना रहे तो मौका बढ़िया है तो करते। तो उन्होंने मुझे ये इस रोल का ऑफर किया, इतने एक कैरेक्टर है मेरे फिल्म में जो आपको बहुत सूट होगा, सहाय का कैरेक्टर, जो मैनिपुलेटर है, किस्म का चुन्नी लाल है, जो देवदास के चुन्नी लाल थे। पॉलिटिक्स, ये पिक्चर बनी है, इसका बैकड्रॉप जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप है, तो उसमें तो आप जानते हैं कि कितने पैंतरे होते हैं ये, मतलब मैनिपुलेशंस और किस किस्म के कैरेक्टर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, पावर ब्रोकर्स भी हैं, हर किस्म के मतलब कैरेक्टर इसमें हैं दासदेव में। तो उसमें से उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर आपको सूट करता है, जो स्वाव है, पॉलिटिशियन नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन ब्रोकर है, मतलब पावर मैनिपुलेटर है। तो मुझे वो अच्छा लगा, मैंने कहा ये इसका जो तेवर है, इस कैरेक्टर का जो सुर है, वो मुझे पसंद है, और मैं करूँगा ज़रूर। तो वहीं से बात हो गई, पिक्चर कर दी, बन गई। यस, इट इज़ दैट एज अ, मतलब वो उसका कैरेक्टर की आप सुर, आप कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर की बुनियाद है, वो कैरेक्टर का बेस है, लेकिन क्या है कि वो टिपिकली वो नहीं है। ये है, इसमें शेड्स हैं, मॉडर्न शेड्स हैं, उस ज़माने से और आज की तारीख में बहुत फ़र्क, ब्रोकर्स में भी बहुत फ़र्क आ गया, किस तरीके से ब्रोक करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा हटके भी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है। अनगिनत फिल्में हैं सर आपके, अनगिनत, मदन चोपड़ा की बात करें या मैं बाजीगर की बात करूं, जहां भी आप जितने वक्त के लिए, आप जावास की मैं बात करूं, आप जितने वक्त रहते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं कि दिलीप ताहिर देम, यू गेट नोटिस। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी तारीफ की है मेरी। फॉरगेट अबाउट मी, एनी आस्क एनीवन हु नोज यू, थैंक यू, थैंक यू। इस रोल के लिए जब मैं बात करता हूँ दासदेव की, मॉडर्न जमाने की दासदेव बना रहे हैं, यू नो, जहाँ तक सुधीर जी का मैंने इंटरव्यू जो किया है कि एक नया अडेप्शन है, मॉडर्न जमाने का दासदेव होगा, तो आपने अपने क्या इनपुट डाले कि वो लुक आए, वो अंदाज आए किरदार में, कि वो जब चले या बोले। देखो सुधीर जी का मैं एक बात बताऊँगा, सुधीर मिश्रा जी का जो है, जो बहुत ही मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है डायरेक्टर में, जो सुधीर जी में है, वो हर कैरेक्टर को ऐसे आर्टिस्टों को लेता है जो वो कैरेक्टर में फिट हो जाए, इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा एक्टिंग करवाने की का शौक़ नहीं है, वो चाहते हैं कि नेचुरली। तो असल में मुझे कपड़े पहनाए गए, सीन्स तो सुनाते, बैकग्राउंड तो, हाँ वो तो होता ही, वो तो नरेशन तो दिया सुधीर ने, लेकिन उनने मुझे कभी नहीं कहा कि दिलीप मैं तुम्हें इस तरीके से एक्टिंग करवाना चाहता हूँ, कभी नहीं। ये सीन है, ये आपका लुक है, कैरेक्टर आप समझते हैं कि आदमी कौन है, बाकी मुझे वो चाहिए जो दिलीप ताहिल मुझे देगा, आप समझ रहे हैं फ़र्क है उसमें। ये नहीं कि आप ये किस्म का कैरेक्टर बन जाइए, कोई बायोपिक नहीं है। तो इसने कहा कि जो आप इस कैरेक्टर में लाएंगे, जो टच है स्लाइटली मॉडर्न का और थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच भी है,
यही मुझे चाहिए इस कैरेक्टर में। तो कास्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सुधीर मिश्रा जी बहुत बढ़िया करते हैं, वो उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो उसमें फिट होंगे। और उनकी फिल्में भी ऐसे होती हैं कि वो फ्लेवर, वो जो तेवर होता है, जो एक मतलब सुर है, तो इसलिए उनकी पिक्चर में कैरेक्टर डाइवर्स भी होते हैं और एक फिल्म में भी साथ आते हैं, और इसलिए आपको उनके कैरेक्टर्स हमेशा अलग लगते हैं, क्योंकि वो उनकी कास्टिंग भी, कास्टिंग ही इसी तरीके से होती है। अभी दासदेव में ऐसा है कि सुधीर मिश्रा जी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, यूपी के बैकग्राउंड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर के शेड्स हैं, ग्रे शेड, ब्लैक शेड। लेकिन अगर एक लाइन में कहूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये हैं एक किस्म के मॉडर्न डे नारद मुनि, जो जो मैनिपुलेटिव भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और इसको, नारद मुनि को, मॉडर्न डे नारद मुनि को अगर आप आज के तारीख में यूपी पॉलिटिक्स में डाल दें, तो आपको आपको एहसास हो जाएगा, मालूम होगा कि किस किस्म का कैरेक्टर है। थैंक यू। प्रेजेंट भी होगा, यू नो, मैं दा अगर मैं दासदेव की बात करता हूँ, बहुत सारे दासदेव आए, दिलीप साहब से लेकर देवदास आए, अब ये बिल्कुल उल्टा दासदेव कर दिया सुधीर मिश्रा जी ने, आपको लगता है कुछ कंपैरिजन होगा? हमेशा जहाँ आपने दासदेव, देवदास को आप दासदेव बोल रहे हैं, हाँ उसका ग्राफ आप बदली कर रहे हैं कि ये मतलब एक टूटे हुए इंसान से जाके मतलब जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं, तो रिवर्स उनका जो ग्राफ है वो रिवर्स है। लेकिन देवदास भी अगर आप देखें तो कंपैरिजन होंगे, लेकिन देवदास भी, देवदास के बाद इतनी फिल्में बने, वो तो क्लासिक ट्राइंगल है ना देवदास, इसलिए देवदास इतना क्लासिक, इतनी क्लासिक कहानी है, क्योंकि वो उसका क्लासिक ट्रायंगल है, एक मर्द और दो औरतें, दो स्त्री, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वही तो इमोशनल और रोमांटिक ट्रायंगल कब से चलता आ रहा है वहीं से, तो वो तो है, तो वो बेस तो होगा, और कंपैरिजन हमेशा होंगे, इस पर कोई ख़राबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर कंपेयर कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म दासदेव जो है, ये अपनी जगह, एक ऐसी जगह, एक नीच जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, अपनी जगह बना के रखेगी। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, सौरभ शुक्ला, यू नो, ही हैव डन सो मेनी फिल्म्स इन वन ऑफ द फाइनेंस एक्टर इंडस्ट्री है सर्टेनली, और आप भी ऐसी शख्सियत है जो मुस्तकिल काम करते आ रहे हैं अब तक, यू नो, क्या आपको लगता है आपका और उनका भी कंपैरिजन होगा सौरभ के साथ, आपके किरदार का सौरभ शुक्ला के किरदार का, और अगर होता है, हाउ डू यू सी दिस? ये मतलब सौरभ इज़ अ वंडरफुल एक्टर, उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, हमेशा मतलब जब भी मैंने सौरभ के साथ काम किया, इट्स मेरा सौभाग्य, मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, दैट आई कैन वर्क विद अ वंडरफुल एक्टर लाइक सौरभ। एक बात है कि देखो, फिल्मों में उनका कैरेक्टर अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, कंपेरिजन्स हो तो कंपेरिजन्स को आप रोक नहीं सकते, लोग किसी भी चीज़ में कंपेयर करते हैं कि अरे भैया ये नहीं था, ये कंपैरिजन्स तो ह्यूमन, जो जो इंसान है, कंपैरिजन्स तो हमारे डीएनए में ही कंपैरिजन्स है, कंपैरिजन्स तो होंगे ही। लेकिन एक बात है जो फिल्म मेकिंग में जो है, जो अलग मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, फिल्म मेकिंग मैंने हमेशा कहा है ये कोई मतलब कुश्ती का खेल नहीं है, ना ही ये 100 मीटर रेस है, जब आप पहले आए, आप सेकेंड आए और आप तीसरे दर्जे में आए, ये नहीं है। सभी अपनी जगह कामयाब हो सकते हैं, और जब ये होता है, इसलिए मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, और जब आप देखते हैं कि जो भी ऑनसेंबल कास्ट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, सभी लोग अपना काम बहुत मतलब करेक्ट करते हैं, हट के अलग भी हैं लेकिन साथ आते हैं, तब जाके पिक्चर बनती है, तब जाके पिक्चर कामयाब होती है। जब हर आर्टिस्ट अपनी जगह में मजबूत हो, हर आर्टिस्ट ने अपनी जगह और अपना रोल और किरदार जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह और बारीकी और समझ से, समझदारी से निभाया है ना, तो पिक्चर उभर के आती है। तो अगर कंपैरिजन्स होंगे सौरभ और मेरे बीच में, वो जो कंपेयर कर रहे हैं उनसे जाके प्रश्न पूछे क्या बात, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म में और बाकी फिल्मों में, जैसे आपने जिक्र किया, मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि जो मेरा किरदार है वो उसे मैं पूरा समझ के और जितनी भी मेरे में कैपेबिलिटीज़ हैं वो 110% मैं देता हूँ और मैं देते आऊँगा। उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ भैया अभी आप, मैंने अपनी तरफ से जो भी मेहनत करनी थी वो मैंने कर दी, अब आप देखिए और आप कमेंट कीजिए और बताइए कि
क्या लगा आपको, कैसे लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो तो ऑडियंस के हाथ में। जब भी आप किसी किरदार पे काम करते हैं, जैसे आप दासदेव की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक्टर को अंदर कहीं पता लगता है कि यार दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और ये बहुत बढ़िया है किरदार है, या कहीं यू नो व्हाइल वर्किंग विद सुधीर मिश्रा, व्हाइल वर्किंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ योर्स, डू यू गॉट दिस फीलिंग कि अरे हाँ यार ये लोगों की नजर में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे, जैसे सुधीर जी ने कहा मुझे कि आप मेरी फिल्म, आई वॉन्ट टू, एक कैरेक्टर है मेरी फिल्म में, तो मैं एक तो मैं पूरी कहानी सुनता हूँ, अपने कैरेक्टर को दूर रख के, हटा के, मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है। मैं कहता हूँ मुझे ये, जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, मैंने कहा ऐसे मुझे, वैसे ही मुझे आप इस फिल्म की कहानी सुनाओ, क्या है ये कहानी, ये पिक्चर है क्या। उसके बाद मुझे खुद ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे कैरेक्टर का क्या प्रभाव है कहानी पे, कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं ये डायलॉग और सीन्स की को महत्वपूर्ण समझता हूँ, लेकिन उससे कैरेक्टर नहीं बनता है। कैरेक्टर मैं लेता हूँ कि अगर मेरा कैरेक्टर इस पिक्चर में नहीं है तो ये पिक्चर बन नहीं सकती है। मैं उसी हिसाब से जाता हूँ कि एक ये ऐसी कड़ी होनी चाहिए पिक्चर में जिसके बगैर मतलब वो चेन ही टूट जाए, तो वो मैं देख के जाता हूँ। और डेफिनेटली दासदेव में और फिल्मों में भी मैंने कोशिश किया, लेकिन कभी कभार एडिटिंग और डायरेक्टर की दृष्टि से मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन इसमें और कई फिल्मों में, जैसे आपने जिक्र किया कयामत से कयामत तक में भी, बाजीगर में, पूरी कहानी मैंने सुनी। अब्बास मस्तान भाई ने मुझे पूरी कहानी बताई कि ये आपका कैरेक्टर और ये जो है ये आप है, तो मैं उसी मतलब मैं वहीं से नापता हूँ कैरेक्टर को और फिल्म को कि मेरा मतलब इसमें होना आवश्यक है या नहीं, कहानी में होना आवश्यक है इस कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर निकाला जाए और आपको मालूम ही नहीं पड़े, कहानी को कोई फर्क भी ना हो, तो वो कैरेक्टर थैंक यू मैं नहीं करता हूँ। ओके सर, इसके अलावा किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? मेरे साथ अभी ऐसा है कि मुझे वेब सीरीज के बहुत ऑफर्स आए हैं, और मुझे वेब सीरीज का तो जैसे बोलते हैं ना कि इट्स लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, मतलब एक मतलब ताज़े सांस की मतलब एहसास हो रही है कि वेब सीरीज़ में हुआ क्या है, कि क्योंकि वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, इंडिविजुअल चीज़ है। इसमें क्या है कि अभी जिस तरीके से कैरेक्टर्स को बनाया जा रहा है, जिस तरीके से लिखे जा रहे कैरेक्टर्स, जो बारीकियाँ हैं वो सिनेमा में हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड हमारे पीछे पड़ जाता है, ये नहीं दिखा सकते, ये कह नहीं सकते आप। सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए ये एज एन आर्टिस्ट कि अभी जो 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 जिस जुबान से मैं बात कर रहा हूँ या जो कैरेक्टर बात कर रहे हैं वेब सीरीज़ में, वो हटके है। जैसे हम और आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, कलोकियल लैंग्वेज को बोली, ऐसे शब्द भी कैरेक्टर क्रोध में आके या वो जो होता है वो भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी अपनी रियल लाइफ में। और कभी कभी अगर आपको एक किस्म का कैरेक्टर दिखाना है तो ये आवश्यक है कि वो किस तरीके से बोलता है और किस कौन से शब्द इस्तेमाल करता है, ये महत्वपूर्ण है कैरेक्टर को, कैरेक्टर की बारीकी में घुसने के लिए, जो आज तक सिनेमा में डाइल्यूट, उसको हल्का कर दिया है, मतलब उसको ये नहीं कहो, वो मत कहो, लोग क्या ऐसे आप स्क्रीन पे नहीं कह सकते हैं। उसका असर और प्रभाव ये हुआ कि हमारी फिल्में कमज़ोर पड़ जाती हैं, फिर लोग शिकायत करते हैं कि यार ये कैरेक्टर मतलब रियल नहीं लगा मुझे, थोड़ा कार्डबोर्ड है, इसका तीसरा डायमेंशन नहीं है इस कैरेक्टर में। वो स्पीच से और आपके एक्शन से जुड़ जाता है, तो ये वेब सीरीज़ में एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए और आर्टिस्टों के लिए। और बाकी उसके अलावा कुछ फिल्में भी हैं जो बातचीत चल रही है अभी, और टीवी की भी बात चल रही है, उसके पहले मैंने सिया के राम किया, तो अभी मेरा ग्राफ ज़्यादातर के टीवी और वेब सीरीज़ में जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, फीचर्स भी करता हूँ, भैया अपना काम है, मैं एक्टर हूँ, जब सिंगल स्क्रीन था तो सिंगल स्क्रीन पे भी भगवान की दया से और मतलब लोगों की मोहब्बत से मैंने बिग स्क्रीन पे भी, सिंगल स्क्रीन पे भी काम किया है, टीवी भी किया है मैंने, भाग्यशाली हूँ मैं, बुनियाद की मैंने, बाकी भी सीरीज़ किया, अभी सिया के राम किया और अब वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा थिएटर भी करता हूँ मैं, बहुत मतलब काफ़ी थिएटर करता हूँ मैं, बड़ा बैकग्राउंड है, तब इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आपने कहा कि जब मैं सेंसर बोर्ड की बात करता हूँ या सरकार की बात करता हूँ या जो मशीनरी फिल्मों को सर्टिफाइड करती है उनकी बात करता हूँ, बड़ी बंदिशें हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है आपको आज़ादी देता है अपनी बात। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं वो जो आज़ादी एज एन एक्टर, जैसे अगर एक ऑटो वाले की बात करूँ मैं, तो ऑटो वाला हो सकता है रोड पर खड़े किसी गाली बक दे, अरे तू ये क्या कर रहा है, गाली दे दे और फिर बात करे, क्योंकि वो ऑटो वाला वैसे ही करेक्ट किरदार में। बिल्कुल सही है। तो गालियां देने की मंशा कहीं मन में भी जो बाहर निकलेगा, गाली की बात नहीं है। लोग अक्सर जब मैं डायलॉग की बात करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसे कुछ शब्द लोग जो कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब मैं गाली की बात, केवल गाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा बहुत ऐसे शब्द हैं जो कैरेक्टर कहेगा जो हम नहीं कह पाते। सिर्फ गाली नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे आपको आज़ादी मिल गई है तो गालियाँ, आपको गालियों से फिर पाबंदी थी अभी नहीं है। नहीं, मैं एक पूरा एक पूरे भाषा की बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में जो आप चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लिख सकते हैं। और वेब सीरीज़ का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको 5 या 10 एक एक घंटे के एपिसोड मिलते हैं, मतलब वो कहानी आप 10 घंटे में दिखा रहे हैं, तो वो क्षण होते हैं, वो पल होते हैं जहाँ पॉज कर सकते हैं, कैरेक्टर बैठा है, मे बी अखबार पढ़ रहा है, आप कुछ दिखाते हैं, वो मोमेंट्स जो आपको 2.5 घंटे की फिल्म में नहीं मिलते, मिल ही नहीं सकते सर। 2.5 घंटे में आप गाने भी रखेंगे, रोमांस भी दिखाएंगे हीरो हीरोइन का, फिर प्लॉट भी बढ़ाएंगे, उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आएंगे, तो आखिर 2.5 घंटे में आप कितना दिखा सकते। इसलिए अभी कैरेक्टर एक्टर स्क्रीन, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं स्क्रीन पे आऊँ सबसे बड़ी पिक्चर में, तो मुझे एज अ टॉप कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे 4-5-6 सीन मिल जाएंगे, अच्छे सीन जो हैं। अब उसमें आप सिर्फ पंक्चुएशन दे सकते हैं कहानी को, कॉमा फुल स्टॉप, आप जो कहानी चल रही है उसको आप पंक्चुएट कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर एक्टर। वेब सीरीज में और टेलीविजन में आप उस कहानी के इंटेग्रल पार्ट, मतलब उस कहानी में आप जुड़ जाते हैं एक अलग तरीके से, ये मेरा कहने का मतलब। 2.5 घंटे में कैरेक्टर आर्टिस्ट वहाँ पर, वो जो थोड़ा मसाला चाहिए आपको, पंक्चुएशन इज द बेस्ट थिंग, आप पंक्चुएट कर सकते हैं कहानी को। आप कहानी के नैरेटिव में इतना इन्वॉल्व होने के लिए आपको समय नहीं है। उन्हीं के साथ तो पहली वेब सीरीज की है मैंने, मेड इन हेवन, जोया अख्तर के साथ। और वहीं से मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि जब मैंने डायलॉग पढ़ा तो मैंने कहा ये जोया, ये नित्या मेहरा डायरेक्ट कर रही थी, वो जिन्होंने बार बार देखो बनाई थी, बनाया था, तो उनसे मैं कह रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा ही रहेगा, मतलब थोड़ा सा ये मिक्सचर, मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कैरेक्टर के बारे में, ये सब कॉन्ट्रैक्ट दें, लेकिन बिल्कुल जैसे वो कैरेक्टर बोलेगा वैसा, थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा सा कर्स वर्ड, नॉन कर्स वर्ड, जो भी है, मतलब नेचुरल जो है। और उनका जो स्क्रीन प्ले है उसमें मज़ा है, जैसे सेटअप दिखाते हैं आप, मैं कह रहा हूँ कि एक किस्म की आज़ादी मिल गई है वेब सीरीज़ में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कहानियाँ हम नहीं बता सकते थे या दिखा सकते थे स्क्रीन पे, एक तो समय हमें मिलता, मतलब एक सीज़न में 10 1 घंटे या 55 मिनट के 10 एपिसोड मिलते हैं एक सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में उतने, तो अगर आप 2-3 सीज़न करते तो आपको समझ सकते हैं कि कैरेक्टर को कितना डेवलप कर सकते हैं। मुझे यही मुझे टेलीविज़न में बुनियाद के बाद यही मुझे महसूस हुआ, ये मेरा अट्रैक्शन है टेलीविज़न में, कि आपको समय मिलता है 50 एपिसोड्स 30 एपिसोड्स 40 एपिसोड्स, जहाँ आप एक कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब इस्टेब्लिश करने का मौका है। अभी डायरेक्टर पे डिपेंड होता है और स्क्रीन प्ले पे डिपेंड होता है, वो उसका कितना फ़ायदा उठाए और उसको कितने अच्छे तरीके से पेश करें, वो तो डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले वालों के हाथ में है, लेकिन मौका तो है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके पास है 100 एपिसोड 50 एपिसोड, आपके फिल्म फीचर फिल्म बेचारा स्क्रीन प्ले राइटर, और वो बोलेगा कि अभी वो तो वेब सीरीज का टेलीविजन बन गया है, कि आप 2.5 घंटे में मतलब कितना बताएंगे। आप, मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप इंडिविजुअली, आप व्यक्तिगत कितने खुश हैं इस बात से, और क्या बहुत कुछ आना बाकी है? यकीन होगा आपको दिलीप भाई की तरफ से, एज एन एक्टर जो ये वेब सीरीज और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है,
जनाब जैसे वो ने कहा था अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं नहीं जैसे काम मिलते रहता है, एक्टर्स मतलब इवॉल्व होते रहते हैं, मतलब एक्टर को मेरे हिसाब से बॉटम लाइन जो है, जो एंड में अंत में हकीकत क्या है कि मुझे इस काम में अभी भी उतना ही दिलचस्पी है, उतना ही पैशन है और प्यार है जो पहले दिन पे था। अभी मैं भी, आप मुझे कोई भी रोल दीजिए उस पर मैं सोचता हूँ, घुस जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है करने में। ये नहीं कहता यार ये भी क्या, इसको क्या इसमें किया है मैंने यार, फादर किया। हर रोल अलग होता है, अलग और नहीं होता है तो उसके हम ढूंढते हैं रास्ते बैक स्टोरी में कि ये कौन है, ये आदमी कैसा, उस पर हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। वो इंटरेस्ट और वो मोहब्बत मुझे एक्टिंग की अभी भी जारी है, मैं जब तक वो रहेगा तो काम करते रहेंगे, लोगों ने बुलाया तो करते रहेंगे, बट दैट इज़ द बॉटम लाइन। अमूमन ये होता है जब एक पत्रकार एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू करता है तो बस अपने सवाल ही रखता है, और कई बार आर्टिस्ट भी कुछ कहना चाहता है लेकिन वो पूछता ही नहीं। मेरी तरफ से लिबर्टी, अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज़। सर मैं सिर्फ, मैं शुक्रगुजार हूँ, अभी 40 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, आप यहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी फीचर फिल्म आ रही है, मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं असल में अपने आप को, कसम से मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे दर्शकों ऑडियंस का प्यार मिला है, उनकी उन्होंने मुझे इज्जत दी है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी तरफ से काम करते ही रहूँगा, देखते हैं आगे कैसे होता है क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।